सुबह के 4 बजे और ऐसा कुछ मौसम है, देख लो सब लोग निकल रहे हैं घर से। और ये रहा हमारा बैग, और अभी घर से सब लोग आ रहे हैं, मम्मी आ रही है। गाइस अभी तो रास्ता खाली है, लेकिन जैसे ही घाट पर पहुंचेंगे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, जैसे ही कल देख रहे थे पिछले ब्लॉग में। गाइस तो हम लोग दानापुर घाट पहुंच तो गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पे। सूरज उगने में भी 1 घंटा बाकी है, तो देखते हैं। ऑटो से आया था यार पकड़ के, बहुत दिक्कत हो गया। बहुत ज़्यादा आज तो भीड़ नहीं था, कल ज़्यादा ही भीड़ था, तो देखते हैं आज कैसा रहता है। मैं वो वाला एयर बलून भी सोच रहा था, लेकिन लेकर आया नहीं। संजीत कुमार आरा मशीन जहाँ कोई भी हो पूजा पंडाल के पास आइए। गाइस भीड़ देख रहे हो, कितना ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। सच बताऊँ तो एक पैर रखने का जगह नहीं है। कल तो आने जाने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन आज वहाँ पे बैठने के लिए जगह भी नहीं मिल रहा। अभी मुझे दूध का जरूरत था, तो मैं दूध लेने के लिए जा रहा हूँ। देखते हैं आसपास मिलता ही नहीं, आज घर से लाए नहीं, लेट हो गया तो जल्दी। देखो अभी लोग आ ही रहे हैं, उतना भीड़ है भाई। मैं तो कह रहा हूँ करोड़ों लोग आ जाएंगे यहाँ पे, जितने लोग हैं, जितना सूप है उतना आदमी है यहाँ पे। ऐसे ये दूध दे लिया हूँ।
इतना भीड़ में शूट करना बहुत मुश्किल हो रहा है भाई। गाइस तो घर वापस आ गए लौट कर और आज था लास्ट डे छठ पूजा का। तो वीडियो कैसा लगा बता देना। प्रसादी वगैरह खाएंगे, डलिया रख दी हूँ, बार बार सब खराब हो चुका है। आज का डलिया हल्का था क्योंकि सारा प्रसादी निकल चुका था। कल वाला तो मैं नहीं लाया था, भैया लेकर आया था, लेकिन यार गर्दन अकड़ गया थोड़ा सा। तो बता देना वीडियो कैसा लगा और कमेंट भी कर देना, मजा आएगा। गाइस तो वीडियो देख लो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना और छठ पूजा का सीरीज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसा लगा। और जितने भी बिहार के लोग सबके पास शेयर कर दो, वीडियो को फैला दो, वीडियो को इतना फैला दो कि पता चल जाना चाहिए हमारे बिहार में कैसा कल्चर और लोग कैसे छठ पूजा मनाते हैं। चलो भाई शेयर कर दो दबा के।